डियर इंडिकेटियन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इंडिकेट डिले से रिलेटेड। ये पीएमडीसी के अपडेट्स हैं। कल पीएमडीसी ने ये अपडेट जारी की थी, मेनी स्टूडेंट आर सेंडिंग मैसेजेस दैट इंडिकेट विल बी डिलेड आर नाट, के बहुत से तुलबा मैसेजेस भेज रहे हैं कि इंडिकेट डिले होगा या नहीं। द रिकमेंडेशन लेटर सेंड बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिगार्डिंग इंडिकेट डिले वाज नॉट रिसीव्ड बाय द पीएमडीसी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। उन्होंने जवाब ये लिखा है कि स्टैंडिंग हेल्थ कमिटी ने जो रिकमेंडेशन लेटर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भेज दी है इंडिकेट डिले करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी तक वो रिकमेंडेशन लेटर पीएमडीसी को नहीं भेजी है। पीएमडीसी ने वो लेटर रिसीव नहीं किया है। एज सून एज द लेटर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज रिसीव्ड, जो ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो रिकमेंडेशन लेटर पीएमडीसी को वसूल हो जाएगी, अ मीटिंग ऑफ द पीएमडीसी एकेडमिक बोर्ड विल बी कॉल्ड, तो पीएमडीसी एकेडमिक बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी एंड द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द पीएमडीसी एकेडमिक बोर्ड। और उस मीटिंग में पीएमडीसी एकेडमिक बोर्ड आखिरी फैसला करेगी के इंडिकेट 27 अगस्त को कंडक्ट करना है या दो हफ्तों या तीन या एक महीने का डिले उसमें देता है, तो ये इख्तियार पीएमडीसी एकेडमिक बोर्ड का है। ये तो उन्होंने वजाहत की है कि क्यों मीटिंग नहीं बुलाई गई अभी तक, और ये बात सही है क्योंकि अभी सैयदा ज़हरा वदूद फ़ातिमी जो एमिने हैं और जो मुतहर्रिक हैं इंडिकेट के डिले करने में, तो उन्होंने तुलबा के मैसेजेस के जवाब दिए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ओनली टुडे द रिकमेंडेशन वर डिस्पैच्ड, उसने जवाब दिया है एक क्वेश्चन का के रिकमेंडेशन जो लेटर हैं वो आज ही डिस्पैच हुई हैं पीएमडीसी को, दे मस्ट हैव रिसीव्ड इट नाउ, पीएमडीसी ने अब इस लेटर को हासिल किया होगा। आई विल चेक इट टुमारो, मैं कल इसे चेक करूंगी, यानी आज सैयदा ज़हरा वदूद चेक करेगी कि वो लेटर पीएमडीसी को मौसूल हुई है या नहीं, एंड लेट यू नो, और फिर आप लोगों को बताऊंगी। ओके, प्लीज़ बी पेशेंट, सब्र से काम लें। फिर एक और क्वेश्चन का जवाब दिया है, आई एम ट्राइंग अगेन टुडे स्पोक टू यू रिमेंबर टू पुट प्रेशर ऑन पीएमडीसी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी के तमाम मेंबर से कहूँ के ओ पीएमडीसी पर आज फिर प्रेशर डालें इंडिकेट डिले करने के सिलसिले में। टुमारो आई विल ट्राई स्पीकिंग टू द सेक्रेटरी, कल मैं सेक्रेटरी हेल्थ से भी इस बारे में बात करूंगी। हैव फेड, यकीन रखें, डोंट गिव अप लाइक दिस, हिम्मत नहीं हारना। और तीसरे मैसेज का जवाब लिखा है, आई टोल्ड चेयरमैन टू टॉक टू पीएमडीसी अगेन, मैंने स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अफजल खान डांडला से कहा है कि वो पीएमडीसी से दोबारा बात करें इंडिकेट डिले के बारे में। आई विल स्पीक टू द मिनिस्ट्री टुमारो, कल मैं मिनिस्ट्री हेल्थ जो है उसमें भी ये बात करूँगी। हैव फेथ, आप लोग बस यकीन रखें। तो ये ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि रिकमेंडेशन लेटर भेजने में भी ताखीर हुई है,
और जैसे मैंने आप लोगों से पहले बताया था के पीएमडीसी के रजिस्ट्रार ने तो ये कहा था कि अगर हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से फॉर्मल तरीके से रिकमेंडेशन लेटर मौसूल हुई तो हम ज़रूर मीटिंग बुलाएंगे और इस पर गौर करेंगे। तो आप लोग उम्मीद रखें इंशाल्लाह कम से कम 2 हफ्ते तो डिले होगा एमडी के।